अरे लॉकी कहाँ पर चला गया यार, मेरे को तूने सुरंग के अंदर छोड़ दिया है, किधर गया ये? भाई मैं, मेरी अगर टॉर्च आपको मिली तो फॉलो कर देना। मैं टॉर्च ही फॉलो कर रहा हूँ कब से यार। सामने क्रीपर्स हैं। कहाँ पर तेरे पास कितने डायमंड हैं? मेरे को तो फिलहाल एक ही मिला है। मेरे को 5 मिले हैं। व्हाट, देखो हमेशा, ओए ये रहा क्रीपी, आ जा फट ले मेरे ऊपर, फट ले। ओए मैं डर गया, देखो मेरे पास कितना ओपी आर्मर जो मैंने पहन, अरे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा, अरे लॉकी मार इनको, अरे भाई घाव वाला भी है यहाँ पर यार, यहाँ पे तो वो है फटा फटने वाला। अबे इंश्योरेंस मेरी, अबे सारे तरीके से, हाँ उसके पास ही जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं है भाई। अरे भाई बच गया यार, ओ भाई बच गया मेरी, ओए एक तो बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है। और लॉकी तू गया कहाँ पे यार, मेरे को समझ भी नहीं आ रही। मुझे और डायमंड्स मिल चुके हैं। देखो कितने जल्दी डायमंड्स मिल रहे हैं, मेरे को तो ये पता ही लग रहा है कि भाई तूने माइनक्राफ्ट को पैसे खिला के रखे है, क्या करके रखा है यार। अरे यहाँ पर तो गोल्ड पड़ा है, डायमंड को तो पता नहीं, मैं गोल्ड उठा लेता हूँ यार। उठा लो भाई, जितना मर्जी गोल्ड ले लो ले लो। अरे रुक जा मैं भी आ रहा हूँ भाई, मेरे को भी थोड़े बहुत डायमंड देना, सारे डायमंड खून लेके जा रहा है। रुक मैं भी आ रहा हूँ, मत चोरी करियो। वैसे गाइस हमारा रूल ये है कि जिसने डायमंड ढूंढे वही डायमंड ले सकता है। लगी प्लीज मेरे को कुछ डायमंड्स देना। अबे नीचे लावा होगा भाई, यार तू कितने, अरे भाई भाई दो थे, सिर्फ दो थे। तेरे पास टोटल 7 डायमंड्स है, तो मेरे पास टोटल एक ही है यार। एक गलत बात है यार, एक तो देना मेरे को। लैपिस का मैं क्या अचार डालूं? मैं तो जा रहा हूँ घर, वापस जा रहा हूँ यार। अरे मशीन तेरे को पता है लॉकी सारे डायमंड्स ले चुका है, मेरे को एक ही डायमंड, मुझे पूरी खुदाई करके एक ही डायमंड मिला, तेरे को पता है। मैं कहाँ जा रहा है यार, यार मैं भी जा रहा हूँ सोने जा रहा हूँ, मेरे को तो यार रात को नींद भी नहीं आएगी, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, खुदाई करने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही डायमंड मिला, व्हाट द हेल। लेकिन गाइस क्यों ना एक और स्कीम लगाई जाए, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, मैं क्यों ना लॉकी डायमंड चोरी कर लूं, वो सो रहा है और उसको पता नहीं कि मैं जाग रहा हूं। ए तुम लोग भौंकना बंद करो तो वो उठ जाएगा पागलों। अबे हम दोनों, हम सारे एक ही टीम में, भौंकना गोलू घूमना बंद करते, मैंने तेरे तीर कोप देना मेरे पेट के अंदर। राइट, तो ये है ऑगी का घर, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर लॉकी नहीं होना चाहिए। और ये है लॉकी का मेन घर, क्या पता इसके अंदर हो, आई डोंट नो। सबसे पहले मैं यहां पे इसके चेस्ट खोलता, अरे यार ये चारे चेस्ट इसने खाली रखे हुए हैं, तो मेरे को तो पता भी नहीं कि डायमंड्स कौन से वाले चेस्ट के अंदर होंगे। एक काम करते हैं गाइस, ऊपर जाके देखते हैं क्या इस चेस्ट में। नहीं यार ये भी खाली, ये भी खा लिया यार, ये चेस रखे काय के लिए, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रही। राइट, तो पूरा ये इसका सारा सिस्टम, पूरा जो मेन घर है सारा खाली है। अभी गाइस सिर्फ स्टोर रूम इसका बचा, तो एक काम करते हैं स्टोर रूम के अंदर जाके देखते हैं। मुझे लग रहा कि वो ऑब्वियसली सो भी यही रहा है, क्योंकि उतने मेन घर में तो था ही नहीं। ये चेस खाली, अबे कितने सारे चेस्ट हैं यार। अगर मैं लॉगी होता तो मैं डायमंड अपने बेडरूम वाले चेस्ट के अंदर रखता। तो काम करते हैं हौली हौली वहीं पे चलते हैं, हौली हौली मेरे को ऊपर जाना यार, मेरे को तो डर भी लग रहा है कहीं वो बैठा ना हो यार। वैसे देर रात हो चुकी है, तो इस टाइम वो सो चुका, अब डायमंड का ब्लॉक लेके सो रहा है। ओ माय गॉड, और उठा, पता मेरे को समझ भी नहीं आ रही कि ये जाग रहा है कि सो रहा है, लगता है टीवी जला के सो रहा है। अबे कैसा टीवी है तेरा, कभी टीवी बंद भी होता है कि नहीं होता? वो मामा टीवी बंद करके सोया कर, साले खर्चा कौन देगा तेरा टीवी का। आई थिंक मेरे को लगता है गाइस कि लॉगी बहुत थक चुका है और अभी वो चैन की नींद सो रहा है। तो काम करते हैं इसके अंदर क्या, अरे डायमंड्स तो है ही नहीं, ये कौन से आयरन बूट मेरे को नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या, ये भी ले ले, ये गंद भी मेरे से ले ले, तो यहाँ पर भी डायमंड्स नहीं हो। और ये आखिरी चेस्ट बच्चा है, क्या इसके अंदर डायमंड्स होंगे? नो भाई इसके अंदर भी डायमंड्स नहीं है, मैं इसको मारूं के नाम बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस चेस्ट के अंदर क्या है, ये भी खाली। इस चेस्ट के अंदर क्या है, ये भी खाली यार, ये चेस्ट भी खाली और ये चेस्ट भी खाली। आयरन पड़े, आयरन मेरे को नहीं चाहिए यार, ये चेस्ट भी, सारे चेस्ट तो खाली पड़े। मेरे को पैरों की आवाज आ रही है, लगता है उठ चुका है। ओ माय गॉड, मैं यहां पे छुप रहा हूं। इस चेस्ट के अंदर क्या है, अरे एमराल्ड, शिट, ओ प्यास लगी है, तो मैं थोड़ा पानी लेने आया हूँ, सॉरी ब्रो। लिया तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये एक ही डायमंड मैं जो मैंने माइन करके रखा था वही है, तो मैं पानी लेने आया हूँ। तो सो जाओ, देख कितनी खतरनाक बिजली चमक रही है, सो जा। देख रहा हूँ यार, इतनी रात को तुम कहाँ पे जा रहे हो यार, ये विलेजर्स पार्क लगता है, मेरे को लगता है ये भी डायमंड ढूंढ रहे हैं, मेरा डायलॉग खराब कर दिया। तो एनीवेज गाइस रात हो चुकी है और हम डायमंड लेने में फेल हो चुके हैं, तो मैं भी जाके सो ही जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, क्या यार मैं गुड मॉर्निंग करूं तो आ बोल रहा है, गला साफ कर रहा सुबह सुबह मेरे सामने। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और भाई मुझे समझ में नहीं आ रही कि लॉकी के पास इतने सारे डायमंड्स थे, वो आखिर गए तो गए का भाई। मेरे को पता है कि उसके पास बहुत सारे डायमंड्स हैं, वो मेरे को दे नहीं रहा। कहां जा रहा लॉकी सुबह सुबह? भाई मैं डायमंड्स खोजने जा रहा हूं। अरे यार आप तू जा रहे हो? नहीं तू जा, आज मेरे बहुत काम है, तू जा। तो लॉगी गाइस जा रहा डायमंड खोजने के लिए, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं काम करता हूँ, उसको ट्रैप करता हूँ, और ट्रैप करने के लिए गाइस मुझे यहाँ पे कुआं खोदना पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे कुएं के अंदर एक, तू परे हो जा, मैंने तेरे लगा देनी है। तो गाइस मेरे पास एक खतरनाक प्लान आया, मैं सोच रहा हूँ कि कुएं को खोदता हूँ और लॉगी को बोलता हूँ कि ये एक लकी कुआं है, अगर आप इसके अंदर डायमंड्स फेंकोगे
तो वो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन विश वगैरह कोई कंप्लीट नहीं होनी भाई, नीचे हॉपर पड़े होंगे और डायमंड सीधा मेरी जेब के अंदर। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे फटाफट से ये कनेक्ट करना है कुएं को। और मैं सोच रहा हूँ गाइस, ये कुआ मैं अपने वेयर हाउस से कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लॉकी को पता है कि मेरा वेयर हाउस कहाँ पे है। मैं सोच रहा हूँ कि कुआ मैं बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट करूँ, बिल्कुल दूसरी मंजिल पर, क्योंकि लॉकी यहाँ पर कभी नहीं आता। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे ठीक एक सीक्रेट डोर होना चाहिए और वो डोर ठीक हमारे हॉपर्स के साथ कनेक्ट होगा। ओ भाई, अभी मेरे को थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेना, तो डेकोरेशन के लिए मुझे बेड चाहिए और ये भी चाहिए और मेरे को क्या चाहिए, फर्नेस भी चाहिए। कैसे हो मामा जी, कैसे हो? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है तेरे को देख के आज। और या फाइनली, मैं तो नियरली भूलने वाला था, हाँ थैंक यू, तूने मेरे को याद दिला दिया। मुझे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी ले लेना चाहिए। मेरे आलू कहाँ पे जो मैंने फ्रेशली यहाँ पे बना कर रखे थे? ये रहे मेरे ब्रांड न्यू आलू। तो ट्रैप हमारा नियरली रेडी है, नियरली रेडी है। तो एक काम करता हूँ, उसको टेस्ट करने के लिए मैं अपनी डायमंड सोर्ड यहाँ पे फेंकता हूँ, पता नहीं नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, आई डोंट नो। तो डायमंड सोर्ड नीचे कुएं के अंदर। और ये रहा गाइस हमारी मेन एंट्रेंस, बिल्कुल लॉगिक टिकटॉक वाला हैक मैंने यूज किया। तो इसको मैंने कनेक्ट किया बिल्कुल वायर से, केबल से, रेडस्टोन से, बिल्कुल यहाँ पे पिस्टन पड़े हुए। तो सिंपल डिजाइन, अगर मैं यहाँ पे अपनी तलवार मारता हूँ और तलवार को घुमाता हूँ, ब्रिलियंट, क्या बात है, उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। और ऑब्वियसली इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे सैंड भी रखने है, ताकि अगर वो कभी यहाँ पर आता भी है तो उसको पता ना लगे कि इसके पीछे सीक्रेट डोर भी है। तो ये रहा गाइस हमारा मेन, मतलब कि हम यहाँ पे बहुत टाइम बिताने वाले हैं। और ये रहा वो हॉपर, तो क्या वो सोड यहाँ पर आई है कि नहीं आई, आई डोंट नो। पचैक, क्या बात है, एकदम बढ़िया। और अगेन गाइस, मैंने सिंपल रेडस्टोन से इसको कनेक्ट करके रखा है, कोई मतलब कि टिकटॉक वाले हैक लॉगी के मैं लॉगी के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही दरवाजा ही बंद हो चुका है। तो चलिए इसको फटाफट से थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर ये स्टोन भी रखना है और मैं बेड को कहाँ पर रखूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बेड मेरा बिल्कुल बीच में सही रहेगा। राइट, बेड के पीछे हमेशा मेरी बुकशेल्फ्स जाती हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, तो तभी मैं बुकशेल्फ्स लगाता हूँ। और फ्रेम्स, थोड़े बहुत फ्रेम्स यहाँ पर लगाते हैं। और ट्रैप्स, मैं सोच रहा हूँ कि खाने पीने के लिए एक छोटा सा गाइस एक टेबल भी यहाँ पे बनाते हैं। आपको तो पता कि भाई डेकोरेशन का मेरे को बहुत शौक है भाई। तो एक टेबल यहाँ पे ऐसे आएगा और एक ट्रैप हमने रखना है यहाँ पर ऐसे। और बिल्कुल ये देखो, तो एक छोटा सा टेबल हमने यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अरे मैंने कुर्सी लगाना यहाँ पे भूल चुका हूँ यार। और टेबल के अंदर रखेंगे हम उबले हुए आलू। और मुझे लीव्स, मेरी लीव्स कहाँ चली गई? अरे मैं लीव्स लेके नहीं आया, मेरी आधी चीजें तो मेरी गायब हो चुकी हैं यार। और थोड़े बहुत चेस्ट जो मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लेके आया, तो चेस्ट मेरे जाएंगे यहाँ पर। और अभी सिर्फ आई थिंक नियरली रेडी है, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो एक स्टैंड मेरे पास बचा, इसको मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। और ये बाकी चीजें यहाँ वाला लगा दो, देखी जाएगी बाकी चीजें यहाँ पर फेंक देते हैं। और कारपेट मेरे पास एक एक्स्ट्रा बचा, इसको यहाँ पे फेंक देते हैं रैंडम। आपको तो पता है गाइस, मेरे को रैंडम डेकोरेशन बहुत मस्त लगती है। एक फर्नेस बचा, तो फर्नेस को भी यहाँ पे फेंक देता हूँ। तो एकदम मस्त लग रहा है मेरे को, ऑलरेडी लुकिंग ब्रिलियंट। तो ये रहा गाइस हमारा मेन ट्रैप रूम, जहां पर हम वेट करेंगे कि लॉगी उसके ऊपर कुछ फेंके और यहाँ से हम अंदर जाके मतलब कि उसका सारा सामान ले लेंगे। और अभी जाके लॉगी से मिलते हैं। लॉगी, हाँ लॉगी, तो कहाँ पर है यार? अभी घर पे पहुंचा हूँ। अरे यार, मैं तेरे को एक सीक्रेट चीज दिखाता हूँ भाई। तेरे को पता कि हमारा टाउन कहाँ पर है तू? अबे कहाँ गोल गोल घूम रहा है, फुदक मत। लॉगी, तेरे को पता कि हमारा टाउन को एकदम आशीर्वाद मिला है? हमारे टाउन को, कुएं को जो आशीर्वाद मिला, तू जब चला गया था ना, यहाँ पे एक विच आई थी और विच ने मुझको बोला कि ये कुआ अभी जो है पवित्र कुआ हो चुका है। अगर इसके ऊपर आप ढेर सारे डायमंड्स फेंकोगे ना, तो आपकी जो विशेज हैं, जो इनकम्प्लीट, जो विशेज कम्प्लीट नहीं हुई, वो सारी कम्प्लीट हो जाएंगी। तो बिल्कुल, अगर तेरी कोई विश है तो इसके अंदर फेंक। अच्छा, नहीं ऊपर खड़ो के नहीं फेंकना, नीचे खड़ो के फेंकना, नीचे खड़ो के फेंकना, नीचे नहीं तो अपशगुन होता है। कम ऑन, तू फेंक दे। एक डायमंड से क्या विश पूरी कर रहा है भाई, ऊपर से फेंक। बस एक ही विश थी भाई, तेरी तो ढेर सारी विश होंगी भाई, सारे फेंक दे, सारे फेंक दे। लालच नहीं करते। उस विच वाली ने बोला कि जितने ज्यादा डायमंड फेंकोगे तो विश आपकी उतनी जल्दी कंप्लीट होगी। अगर कोई और कीमती सामान है लोगे तो वहाँ पे फेंक दो। अरे भाई, मैं थोड़ा और कीमती सामान लेकर आया हूँ। नाइस, फेंक दो सारा कीमती सामान, फेंक दे। तो जित ये क्या की, ये कीमती सामान नहीं, अबे डर्ट नहीं फेंकनी, ये कुएं का अपशगुन, ये अबे क्या कर रहा है, ये कुएं का अपशगुन होगा यहाँ पर। सिर्फ कीमती सामान फेंकना, ऑब्वियसली गोल्ड, डायमंड या एमरल्ड तेरे पास है तो तूने यहाँ पर फेंकने हैं। हाँ, और कुछ आयन है वो, हाँ फेंक दे। और तेरी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी भाई, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए लॉगी, मैं चलता हूँ, अभी सोने का टाइम हो चुका है। अच्छा, अभी तो दोपहर है, लेकिन हमें दोपहर को सोना चाहिए, तो मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है लॉगी, तू भी चला जा, तू डायमंड खोदने जा, क्योंकि तेरे को और विश भी तो करनी होगी। ओके बाय बाय। एकदम गाइस, हमारा ट्रैप एकदम से चल पड़ा। तो गाइस, मैंने देखा कि उसने यहाँ पर बहुत सारे डायमंड फेंके और मुझे भी जाके देख के आना कि ऑब्वियसली उसने कितने फेंके। आई थिंक मैं तो रात माला माल होने वाला हूँ ब्रो। इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो। नाइस। और अगर मैं तलवार घुमाऊं, भाई कुछ भी नहीं हो, तलवार घुमाऊं तो लीजिए हमारा
बिल्कुल सीक्रेट डोर खुल चुका है, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, ये दरवाजा भी खुल चुका है। यस तो इसे थोड़ी बहुत डर्ट भी देकर रखी है, बट यस ओ माय गॉड हमारे पास कितने सारे डायमंड्स आ चुके हैं। ओ वी आर सो रिच, इसको साइन को यहां पे लगाओ। तो लीजिए गाइस हमारे पास बहुत सारे डायमंड्स आ चुके हैं। इससे पहले कि लॉगी यहां पर आए तो मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूं और जो मैंने सैंड यहां पे उठाई थी उसको वापस डाल देता हूं। अमेजिंग 14 डायमंड्स, अमेजिंग, कुछ किया भी नहीं गाइस, हमारे पास 14 डायमंड्स आ चुके हैं और लॉगी ट्रोल होगा, फिर से हम उसको ट्रोल करेंगे। तो चलिए गाइस अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And I will see you in the next video. Till then, take care, everyone, and bye-bye.